इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री गंगूभाई पटेल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष श्री दीपक घेसास जी, इस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर श्री निवास सिंह जी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्यगण, संस्थान के प्राध्यापकगण, सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, विद्यार्थियों के माता पिता एवं अभिभावकगण, देवियों और सज्जनों, प्यारे बच्चे, आप सबको मेरा नमस्कार। आज यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये दीक्षांत समारोह इसीलिए भी विशेष है क्योंकि इस संस्थान के कार्यकाल के 25 वर्ष भी पूरी हो गया है। इस सिल्वर जुबली दीक्षांत समारोह में उपाधियां और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही आप सबके परिवारजनों और प्राध्यापकों को भी मैं बधाई देती हूँ। आज आप सबकी कई वर्षों की मेहनत सफल हुई है और आप अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आज का डॉक्टर अनिल काकोडकर को एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की ऑनरेरी कोजा डिग्री से सम्मान किया गया है। मैं डॉक्टर काकोडकर को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ग्वालियर मध्य प्रदेश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। ऐसे है अपने महलों, मंदिरों और किलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के इतिहास में ग्वालियर शहर और क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। मराठियों द्वारा किए गए संघर्ष में सिंधिया वंश की उल्लेखनीय भूमिका रहा है। 20वीं सदी में ग्वालियर में आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा देने में भी सिंधिया परिवार ने सक्रिय योगदान दिया है। ग्वालियर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। ग्वालियर में स्थित संगीत सम्राट तानसेन के गांव को तानसेन नगर का नाम दिया गया है। भारतीय संस्कृति की अनेक बहुमूल्य धरोहर को ग्वालियर में संरक्षित किया गया है। ये एक सर्वमान्य तथ्य है कि शून्य अथवा जीरो विश्व को भारत की देन है। भारत द्वारा प्राचीन काल में शून्य की अवधारणा विकसित कर ली गई थी तथा पांडुलिपियों में शून्य के लिखित उदाहरण मिलते हैं। लेकिन कहा जाता है कि शून्य के फिजिकल इंस्क्रिप्शन का सबसे प्राचीन रूप सदियों पहले निर्मित ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर में देखा जाता है। मैं समझती हूँ कि प्राचीन भारत में विज्ञान के उत्सर्ग के ऐसे उदाहरण टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रेरक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह स्पष्ट किया गया है कि हमारे विद्यार्थी भारतीय परंपराओं और ज्ञान विज्ञान के स्रोतों से जुड़े तथा आधुनिकतम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपनाएं। ग्वालियर आकर मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सादर स्मरण करती हूँ और उन्हें नमन करती हूँ। ग्वालियर उनका प्रमुख कर्मस्थल रहा है। भारत रत्न वाजपेयी जी समकालीन भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे जिन्होंने एक प्रभावशाली विरासत छोड़ी है। अटल जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टेलीकॉम सेक्टर के व्यापक विस्तार को अभूतपूर्व प्रोत्साहन दिया है। वे मानते थे कि कनेक्टिविटी राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मूलभूत आवश्यकता है।
आज आप सब विद्यार्थी ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यही है कि इससे कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। भारत की डिजिटल इकोनॉमी आज विश्व में अग्रणी स्थान पर है। आप सब इसे आधुनिकतम टेक्नोलॉजी की मदद से और अधिक मजबूत बना सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले आप सभी युवा विद्यार्थियों से ये अपेक्षा करती हूँ कि आप समाज के उन लोगों के बारे में भी सोचें जो विकास की यात्रा में थोड़े पीछे रह गए हैं। समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना आपकी प्रगति के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। दूसरों की सहायता करने से अपनी क्षमताओं का विकास भी होता है, ये मेरा निजी अनुभव है। मेरा आग्रह है कि पिछड़े और कमजोर वर्गों के लोगों की सहायता करने पर आप विशेष ध्यान दें। मध्य प्रदेश की अपनी पिछली यात्रा में के दौरान नवंबर में सडोल में आयोजित एक समारोह में मुझे पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, जैसे कि हम पेशा कहते हैं, का शुभारंभ करने का अवसर मुझे मिला था। ये एक्ट जनजातीय समुदाय के लोगों के हित में लागू किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनजातीय समुदाय की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में है। जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत भी पहले मध्य प्रदेश में ही की गई थी। जनजातीय समाज के हित में केंद्र और राज्य सरकार अनेक कदम उठा रही है। कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु कार्य करने की भावना से के साथ देश में महिलाओं के हित में भी अनेक कदम उठाया जा रहा है, लेकिन समाज में बहुत अधिक शक्ति होती है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर आप सभी युवाओं का ये दायित्व है कि समाज के पिछले लोगों के विकास में अपनी भागीदारी समझें। मुझे खुशी है कि हमारा समाज और देश इस सोच के साथ आगे बढ़ रही है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगी कि आत्मविश्वास के साथ दुनिया में कदम रखें और आगे बढ़ते जाइए। कोई भी बाधा, कोई भी चुनौती आपको अपने लक्ष्यों की हासिल करने में नहीं रोक पाएंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर आगे बढ़ना होगा। लक्ष्यों से निगाह हटाने नहीं चाहिए और आप सब सफल हो जाएंगे तो दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए मदद करना चाहिए। देवियों और सुजन, आज मुझे इस संस्थान के 500 बेड वाले बॉयज हॉस्टल का शिलान्यास करने का भी अवसर मिला। मैं आशा करती हूँ कि ये हॉस्टल और इस इंस्टीट्यूट की अन्य सुविधाएं विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए उपयोगी वातावरण प्रदान करने में सहायक होगी। एक खुशी की बात है कि ट्रिपल ITM ग्वालियर शिक्षा का एक ऐसा उत्कृष्ट केंद्र बनने की ओर अग्रसर है, जहाँ उच्च स्तर की शिक्षा और अनुसंधान के निरंतर बढ़ावा मिलता है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस होने के नाते भी इस इंस्टीट्यूट का एक कर्तव्य है कि देश को आगे ले जाने की दिशा में नवीन प्रयास करें और ऐसे विद्यार्थियों तैयार करें जो अपनी सोच और कार्य से देश और दुनिया की समस्याओं के समाधान ढूंढने में योगदान दें। एक खुशी की बात है कि इस संस्थान ने स्थानीय समुदायों की मदद के लिए भी विभिन्न गतिविधियां शुरू की है। संस्थान के संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों आसपास के गांव में सामाजिक सेवा के कार्य करते हैं। स्टूडेंट ज्ञान मूवमेंट के द्वारा स्थानीय समुदाय के गरीब स्कूली बच्चों को सलाह और मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। अभी मैं ऐसे कुछ बच्चों से मिली जो इस कार्यक्रम की सहायता से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन बच्चों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और ये देखकर संतोष हुआ है कि हमारे शिक्षण संस्थान ऐसे बच्चों के बारे में भी सोच रहे हैं
और देश के समावेशी विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर की इस पहल की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। देवियों और सुजन, मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि इंस्टीट्यूट के अधिकांश विद्यार्थी की प्लेसमेंट अच्छी कंपनियों में हो गई है। नौकरी मिलने की खुशी, खासकर जीवन की पहली नौकरी मिलने की खुशी अलग ही होती है ना। मैं संस्थान की पूरी टीम को और सभी विद्यार्थियों को प्लेसमेंट के लिए बहुत बधाई देती हूँ। मैं इस बात पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, जिन विद्यार्थियों की प्लेसमेंट नहीं हुई है उनकी क्षमता किसी भी मायने में कम नहीं है और उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए अनगिनत अवसर मिलेंगे। मुझे ये भी बताया गया है कि आप में से कुछ विद्यार्थी एंटरप्रेन्योर और सिविल सर्वेंट बनने की भी तैयारी कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब विभिन्न क्षेत्रों में इस संस्थान और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों हर क्षेत्रों में विश्व स्तर पर सिर्फ कॉम्पीट ही नहीं बल्कि लीड भी करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे संस्थान, विद्यार्थियों और हमारे उद्योग मिलकर काम करेंगे और भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी हब बन सकेगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं समझती हूँ कि आज आप सब बहुत उत्साह से अपने भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं। जीवन में आगे रहने के लिए ये जरूरी है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसको समय समय पर परखने चाहिए। हो सकता है कि आज आपने जो रास्ता चुना है वो आज आपको सही लग रहा होगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको समझ में आए कि जो आप जीवन में कर रहे हैं आप उसके लिए नहीं बने हैं। आपको कोई और रास्ता भी मिल सकता है, कोई और रास्ता भी मिल सकता है जो आपके लिए बेहतर हो। ऐसे स्थितियों में निर्णय लेने से और नई रास्ते पर चलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। दृढ़ संकल्प के साथ सही रास्ता चुनकर आगे बढ़ जाएंगे तो लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा और जीवन में संतुष्टि भी मिलेगी। किसी भी नौकरी से मिलने वाला आर्थिक लाभ महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए जीवन में खुद से सवाल करते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए। अंत में मैं एक बार फिर सभी उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ और आप सभी के सन्नी भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैडम फॉर योर ब्लेसिंग्स टू द यंग माइंड्स। डायरेक्टर सर इज रिक्वेस्टेड फॉर फर्दर प्रोसीडिंग।